आजकल उन वो नहीं बोलना चाहते हैं ना बोल रहे हैं, उनसे कोई बुलवा रहा है, कौन लोग हैं बुलवाने वाले लोग, बोलते रहते हैं। लेकिन जो बुलवाने वाले लोग हैं, जब किताब लिखेंगे तो उसमें जिक्र करेंगे, लेकिन जो बुलवा रहे लोग उनको जानकारी में हम लोग दे दें कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संस्थान थे जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी 10 भाई बहन थे। राष्ट्रगान लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर 7 भाई बहन थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा। और यही नहीं, जो आप देखिएगा प्रखर जो विद्वान भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी जी 14, उनके 14 बच्चे थे। देवगौरा जी के 6 बच्चे थे, नरसिम्हा राव जी के 8 बच्चे थे। तो इस तरह की बयान जो है जो लोग मुख्यमंत्री जी से बुलवा रहे हैं, पहले सब देख दाख करके बोलना चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दे की बात होनी चाहिए, बिहार की तरक्की की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन कोई विजन नहीं, क्यों नहीं मांग करें बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने का? किससे अब मांगेगी बिहार की जनता? अब तो डबल इंजन की सरकार, केंद्र में उनकी, यहाँ भी विशेष पैकेज के बारे में क्या हुआ? अब सब समय आएगा, किताब में आप पढ़िएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।